मेरे भक्तों, मैं अपने चैनल परमात्मा की आवाज़ में आपका हृदय से स्वागत करता हूँ। आइए जानते हैं माँ काली ने शिव पर पैर क्यों रखा। प्राचीन काल में बड़े बड़े राक्षस अपनी मंत्रों की शक्ति से तपस्या करके ऐसी शक्तियाँ प्राप्त कर लेते थे जो देवताओं को भी दुर्लभ होती हैं। जिन शक्तियों के सामने बड़े बड़े देवता टिक नहीं पाते, राक्षस अपनी शक्तियों के द्वारा ऋषि मुनि एवं देवताओं में भय फैलाते थे। ऐसी ही एक पौराणिक कथा रक्तबीज राक्षस से जुड़ी है। रक्तबीज का अंत माँ काली के हाथों ही हुआ, लेकिन गलती से माँ काली ने शिव पर पैर पड़ गया। आइए जानते हैं। एक समय की बात है कि रक्तबीज नाम की राक्षस ने अपनी तपस्या की शक्ति से भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया। रक्तबीज को यह वरदान प्राप्त था कि उसका खून जहाँ पर भी गिरेगा उसके हजारों रक्तबीज पैदा हो जाएंगे। रक्तबीज को अपने इस वरदान पर अभिमान था, इसलिए उसने अपनी गलत शक्तियों का प्रयोग किया। घमंड में चूर रक्तबीज ने देवताओं को युद्ध के लिए ललकारा। देवता रक्तबीज से लड़ने के लिए आ गए, लेकिन जहाँ भी रक्तबीज का रक्त गिरता था वहाँ अनेकों रक्तबीज पैदा हो जाते थे। इसका परिणाम यह हुआ कि अनेकों रक्तबीज पैदा हो गए, जिन्हें हराने का कोई रास्ता देवताओं को नज़र नहीं आया। अंत में थक हार कर देवता घबरा गए और घबरा कर दुर्गा माँ के पास पहुँचे और अपनी रक्षा की भीख मांगने लगे। माँ दुर्गा ने रक्तबीज के वध के लिए काली का रूप धारण कर लिया। रक्तबीज को देखकर माँ काली को भयंकर क्रोध आ गया और अपनी जीभ को इतना फैला लिया कि सारे रक्तबीज उसी में समा गए। अब जहाँ भी रक्तबीज का रक्त गिरता, माँ काली उसे पी जाती। रक्तबीज को समाप्त करते हुए माँ इतनी क्रोध हो गई कि उनको शांत करना मुश्किल हो गया। माँ काली का यह रूप विनाशकारी था, इसलिए सभी देवता शिव के पास पहुँचे। उन्होंने प्रार्थना की, माँ काली को शांत कराया। शिव के लिए आसान नहीं था, इसलिए भगवान शिव काली माँ के रास्ते में लेट गए। क्रोधित माँ ने जैसे ही शिव पर पैर रखा, वह झिझक कर ठहर गई। उनका क्रोध शांत हो गया। इस तरह भगवान शिव ने देवताओं की मदद की और रक्तबीज का अंत हुआ। मित्रों, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय महाकाली।